गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स। इन इंग्लिश लैंग्वेज आर्टिकल्स ए एंड द आर यूज्ड बिफोर ए नाउन। इनका प्रयोग होता है संज्ञा के पहले। नेम ऑफ ए थिंग, प्लेस और पर्सन। In fact, articles are a part of adjective which are used before a noun. There are two types of article. आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इंडिफिनाइट आर्टिकल, सेकंड है डिफिनाइट आर्टिकल। ए एंड एन आर, ए एंड एन आर इंडिफिनिट आर्टिकल। Because these are put before uncertain noun। example है I saw a boy। देखा एक बार, ए एंड एन आर इंडिफिनिट आर्टिकल, यानी कि ए और जो एन है उसको कौन सा आर्टिकल बोलेंगे? इंडिफिनिट आर्टिकल। ए और एन को क्या बोलेंगे? इंडिफिनिट आर्टिकल, यानी कि ये होते हैं अनिश्चित संज्ञा के पहले प्रयोग होते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल जो होता है वो होता है द आर्टिकल, जो कि सर्टेन यानी कि निश्चित संज्ञा के पहले यूज किया जाता है। अभी एग्जाम्पल था आई सा ए बॉय, तो एनी बॉय हुज आइडेंटिटी इट नॉट नाउ। द इज ए डेफिनेट आर्टिकल। द इज ए डेफिनेट आर्टिकल विच इज यूज्ड बिफोर ए सर्टेन नाउन। एग्जाम्पल होगा इसका आई सा द बॉय। द इज डिफिनेट आर्टिकल विच इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है इसका बिफोर, पहले ए सर्टेन नाउन यानी कि एक निश्चित संज्ञा के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द आर्टिकल का। और जो अनिश्चित जो होता है उसके पहले किया जाता है ए का और एन का।
ए और एन का शाब्दिक अर्थ होता है, डेफिनेशन जो होती है वन, यानी कि इसको बोल सकते हो एक। आगे देखिए, नेक्स्ट है यूज ऑफ ए और ए एन का। जब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द मीनिंग ऑफ ए एंड एन इज वन, यानी कि ए एंड एन का अर्थ क्या होता है, एक होता है, यानी कि वन। सिमिलर, समान रूप से ए और एन को क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। एंड दीज आर यूज विद ए सिंगल नाउन, सिंगल नाउन यानी कि एक वचन सिंगल। एक वचन संज्ञा के पहले इनका प्रयोग होगा, किसका, ए और ए एन का। बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड, इसका अर्थ क्या हुआ, बिफोर यानी कि पहले, ए वर्ड शब्द के पहले, बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट, साथ में क्या होगा, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की, साउंड यानी कि ध्वनि, ए इज यूज्ड, ए का प्रयोग होगा, यानी कि शब्द का के पहले, यानी कि यहां पर यह स्थान है और यहां पर जो शब्द, जो भी शब्द होगा उस शब्द का साउंड क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, क्या होगा, कॉन्सोनेंट अगर है तो वहां पर क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि कॉन्सोनेंट, यानी कि स्वर कितने आपने फाइव है, ए ई आई ओ और यू, फाइव जो क्या है वोवल। वोवल यानी कि स्वर, इनको छोड़कर बाकी के जितने भी अक्षर हैं उनकी अगर साउंड आ रही है, ध्वनि आती है, तब उस खाली जगह पर ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। जब इस बी डबल ओ के बुक, जब बुक का अपन उच्चारण करते हैं तब उच्चारण किसका आता है, ब का, किसका आता है, ब का, और ब क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इस बुक से पहले क्या आएगा ब्लैंक में, ए। और एग्जांपल देखिए, ही इज ए कप, दिस इज ए कप, दिस इज खालिस्तान कप। अब इसका उच्चारण जब करेंगे, तब उच्चारण करते हैं तब ध्वनि किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन ध्वनि। और जिस वाक्य में नाउन से पहले या फिर नाउन को जो वर्ड दिया हुआ है उसका जब उच्चारण करते हैं और उसका साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो उस खाली स्थान में क्या भरेंगे, ए भरेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट इज ए हॉर्स, इसका उच्चारण जब हॉर्स का उच्चारण करते हैं तब इसमें भी कॉन्सोनेंट का साउंड आई हुई है, इसलिए इसमें क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट है इट इज ए बुक, इट इज ए बुक, जब इसका उच्चारण करते हैं तो किसका आता है, कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट का आता है, तो यहां पर क्या आएगा इससे पहले, ए। नेक्स्ट है बी का, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वोवल साउंड, वोवल साउंड यानी कि स्वर ध्वनि, वोवल का क्या होता है, स्वर और साउंड एंड ध्वनि, एंड इज यूज्ड, यानी कि वोवल कितने हैं, फाइव, ए ई आई ओ और यू।
या तो वाक्य किससे शुरू होता हो, ए ई आई ओ यू से। अगर स्टार्ट है तो खालिस्तान की जो जगह होगी उसमें अपने को क्या बनना है, एन बनना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन एप्पल, इट इज एन एप्पल, इट इज एन। जब इसका उच्चारण करते हैं तो ए एक ही ध्वनि आई है, और ए क्या है, वोवल है, ई है वो भी क्या है, वोवल है, आई है वो भी एक वोवल है, ओ है वो भी एक वोवल है, और यू है वो भी वोवल है। यानी कि इनकी से कोई भी वाक्य शुरू होता है तो उससे पहले क्या आएगा, एन आएगा। ही बाई एन मैंगो, अब मैंगो है ये, यहां पर एन लिखा है तो ये एन क्या है, यहां पर गलत है, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें ध्वनि आई हुई है मैं की, तो यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। इसलिए इसकी जगह या तो दे दीजिए ही बाइज एन ऑरेंज, ही बाइज एन एप्पल, शी इज एन एम ए एम ए। अगर इस प्रकार का वर्ड दिया हुआ है, संक्षिप्त कोई शब्द दिया हुआ है तो उससे पहले क्या आएगा, एन का प्रयोग होगा। यानी किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, ही विल टेक, ही विल टेक एन आवर, ही विल टेक एन अम्ब्रेला, सॉरी आवर। यानी इसका जब एच है वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, जब इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे ओवर। ही विल टेक एन आवर। ये था ए एंड एन का यूज। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। किसका प्रयोग करना है, ए और एन का, इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे आपको पांच सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें आपको ए और एन का प्रयोग करना है। दिस इज ब्लैंक एलिफेंट। अब जब इसका उच्चारण करेंगे एलिफेंट, ए की दरमियान किसकी आई है, ए की, तो इसमें क्या आएगा, एन। इसमें ए की दरमी है एप्पल, इसमें भी क्या आएगा, एन। हियर इज एन एप्पल, दैट इज टाइगर। जब इसका उच्चारण करते हैं तो किसका शब्द है, टै का, और टै क्या है, कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन, और व्यंजन से पहले क्या आता है, ए। आई एम ए, आई एम ए डॉक्टर, तो ये भी क्या है, व्यंजन की ध्वनि है, ये कॉन्सोनेंट की ध्वनि है, तो इसमें भी क्या आएगा, ए आएगा। सी इज इंजीनियर, इसमें आ जाएगा एन, क्योंकि इसमें वोवल का साउंड है। तो आज हमने यूज ऑफ
a and n रीड किया था. आर्टिकल्स टू टाइप्स, इंडिफिनेट एंड डिफिनेट आर्टिकल. इंडिफिनेट आर्टिकल आर ए एंड एन, और डिफिनेट आर्टिकल द. इनको अच्छी तरीके से अपना नोटबुक में नोट करना है, इसको क्लास वर्क के रूप में. इसके बाद में 10 सेंटेंस और होंगे, वो आपका होगा HW. ये 10 सेंटेंस है जो आपका HW है. इनके अंदर आपको A और N का यूज करना है. मोहन इज ब्लैंक कलर, आई एम स्ट्रेंज हेयर, दैट इज खालिस्तान ब्राउन बॉक्स, दिस इज ब्लैंक स्कूल बिल्डिंग, दिस इज ब्लैंक शिप, इट वॉज ब्लैंक ब्राइट सनी आफ्टरनून, माई फादर हैज ब्लैंक कार, अनिता शाह खालिस्तान ब्लैंक एरोप्लेन ऑन संडे, देर वॉज ए रेस बिटवीन ब्लैंक रेड एंड ब्लैंक एलिफेंट, ही सा ब्लैंक एलिफेंट. इनको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में पूरे के पूरे को नोट कर लेना.